बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। जो वर्ल्ड फेमस है, जो दावतों में गैदरिंग में हमेशा रखा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुकी हैं तो एक बार बेल आइकन ज़रूर चेक करें, जिस पे आपको ऑल क्लिक करके रखना है, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपसे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कट किया है पपाया, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल अनानास, पोमेग्रेनेट अनार, ग्रेप्स को कट नहीं किया है, अंगूर को, आप ब्लैक वाले भी अंगूर ले सकती हैं। ये फुल फैट दूध है, 6 लीटर, आधा किलो कस्टर्ड पाउडर, आधा किलो कस्टर्ड पाउडर 1 से 1.5 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। शोर रहे कि लम्स या फिर गुटलियाँ ना रहे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी में इसको बॉइल्ड दूध में ऐड करें। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस पकाते रहें, स्टर करते रहें कंटिन्यूसली, ताकि नीचे दाग ना रखे। पाँच मिनट कुक करने के बाद इसे चिल कर लें और इसमें शक्कर ऐड करें। 1 किलो शक्कर ऐड करें और पपाया 2 किलो अदद, सेब 10 अदद, मौज लिए हैं 24 अदद, पाइनएप्पल 800 ग्राम, स्ट्रॉबेरी 1.25 किलो, अनार 1 किलो, अंगूर 2.5 किलो, जो पका के और ठंडा करके रखा था हमने कस्टर्ड, वो ऐड कर लें पूरे फ्रूट्स में। अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे फिर से ठंडा होने के लिए रख दें और सर्व करने से पहले ही इसको डिश आउट करें। सर्व करें, चांदी का वर्क लगाएं या फिर व्हिप्ड क्रीम के फ्लास बना के इसको सर्व करें। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।